नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में आने वाले बोरा गणेश जी से यूनिवर्सिटी रोड मार्ग पर जाने वाले रोड पर अभी कुछ देर पहले बताया जा रहा है कि चाकूबाजी की वारदात को घटना को अंजाम देकर कुछ युवक मौके से फरार हो गए। यहाँ पर जो मौके पर प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं उन्होंने बताया कि कुछ युवक एक युवक के पीछे हथियारबंद हाथ में लेकर पीछे पीछे भाग रहे थे और आगे जो भाग रहा था युवक, उसका नाम कमलेश बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वे खून से लथपथ होकर भाग रहा था। उसे पीछे भागते हुए लोगों ने यूनिवर्सिटी वाले मार्ग पर चाकूबाजी करते हुए घटना को अंजाम देकर घायल कर दिया और अपने आप को उन युवकों से बचाने के तहत वह बोरा गणेश जी वाले मार्ग पर भागते हुए आया और अपने आप को बचाए रखने के लिए किसी दुकान में घुसते हुए वह यह बात कहता हुआ नज़र आया कि मुझे बचा लो, नहीं तो ये पीछे आ रहे लोग मुझे मार डालेंगे। ऐसी बात को मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने उसकी मदद करी, लेकिन अचानक गश्त करती हुई जो होक मौके की तरफ से आई तो उन्हें उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ से जो अपराधी प्रवृत्ति के युवक थे जो पीछे चाकू लेकर भाग रहे थे वे सभी मौके से फरार हो गए। मौके पर से एक मोटरसाइकिल को बरामद किया है जो बताया जा रहा है कि वह युवक उन अपराधी युवकों की बताई जा रही है और वहीं पर कुछ देर बाद मौके का फ़ायदा उठाकर एक युवक उस बाइक को मौके से ले जाने की प्रयास करते के तहत पुलिस ने मौके पर से उसे अपने गिरफ्त में लिया है और गिरफ्त में लेकर थाने के साथ ही उसे होक में बैठा दिया है और मौके पर संबंधित थाना SHO के साथ ही मैं जाप्ता मौके पर तैनात है। शांति व्यवस्था बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है और यहां पर लोगों के मध्य जो घटना घटित हुई है उसको लेकर भय व्याप्त हो गया है। हालांकि लोग संबंधित वारदात को लेकर पुलिस की मदद करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आगामी भविष्य में इस तरह के घटनाक्रम वापस घटित नहीं हो और शहर में शांति बनाई रखी जा सके उसके लिए पुलिस की मदद भी कर रहे हैं। मौके पर यहां पर अभी वर्तमान में लोग जो है व्यापारी लोग हैं वे अपने दुकान के बाहर भीड़ के तौर पर एकत्रित हो गए, लोगों के मध्य चर्चा का विषय बन गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि जिस युवक के लगी है वह कमलेश नामक युवक है और कालका माता रोड पर वह रहता है और जिस युवक का अपराधी प्रवृत्ति के तहत जो घटनाक्रम को अंजाम दिया उसका नाम फरहान बताया जा रहा है और फरहान नामक युवक के साथ कुछ 8 से 10 लड़कों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। मौके पर से एक लड़के को गिरफ्त में ले लिया गया है और साथ ही अन्य युवकों के तलाश की जा रही है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। मौके पर से एक बाइक को अपने जब्त किया है जो बताया जा रहा है कि जो बाइक को जब्त किया है जो बताया जा रहा है कि अपराधी युवक अपने साथ लेकर आए थे, जिसे मौके से एक युवक वापस ले जाने का प्रयास कर रहा था उसे गिरफ्त में लिया है। मौके से पकड़ते हुए उसे थाने ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि संबंधित घायल युवक को महाराणा भोपाल चिकित्सालय ले जाया गया है, जिसके हाथ और अन्य एक जगह गंभीर घायल होने की बात बताई जा रही है।